मैं कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम शिवपाल सिंह यादव को लेकर। एक तरफ वो कंफ्यूज्ड है कि वो बीजेपी में जाए या ना जाए, दूसरी तरफ वो कंफ्यूज्ड है कि सपा में वापसी करे या नहीं। भले ही सपा अभी तक उन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जहाँ अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि जिसको पार्टी में से जाना है वो जा सकता है, कोई रोकेगा नहीं, तो इससे तो यही मालूम चलता है कि शिवपाल सिंह यादव सपा से हट सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से महज कुछ दिन पहले जब शिवपाल के दिल में एक बार फिर से अखिलेश के लिए प्यार उमड़ पड़ा था, तो उसको देखकर लगता था कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव अखिलेश को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह आ जाती है कि शिवपाल ने एक बयान जाहिर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जेल में खुद आजम खान से मिलने जाएंगे। अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई है कि वो सच में आजम खान से मिलकर एक नई पार्टी का चयन करेंगे, या फिर आजम खान के साथ बीजेपी में जाएंगे, या फिर आजम खान को सपा में ही रहने के लिए बोलेंगे। इस तरीके के लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ सिर्फ शिवपाल सिंह यादव के साथ ही नहीं बल्कि आजम खान के साथ भी बैरगती की है, जिसकी वजह से दोनों ही नेता लगातार बगावत करते दिख रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम में, इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव की आने वाले टाइम को लेकर क्या रणनीतियां हैं, क्या वो सच में आजम खान के साथ एक नई पार्टी बनाएंगे, या फिर बीजेपी में शामिल होने के लिए वो एक बार और कदम आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी में आजकल अखिलेश यादव से एक तरफ आजम खान सहित कई मुस्लिम नेता नाराज चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल सिंह ने भी सियासी राड छिड़ी हुई है। इस बीच रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात की। इस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राजनीति में शिष्टाचार भेंट होती रहती है और होनी भी चाहिए। हम भी कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी उनसे भेंट करना चाहेंगे। वैसे तो उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और शीघ्र ही हम भी कोशिश करेंगे कि आजम भाई से मुलाकात करें। आज अचानक सामने आए शिवपाल सिंह के इस भाई प्रेम को लेकर सियासी जानकारों का एक धड़ा मानने लगा है कि शिवपाल या तो बीजेपी में शामिल होंगे या आजम जैसे नाराज नेताओं के साथ मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकते हैं। वहीं पर बता दें कि शिवपाल ने कहा कि इलेक्शन से पहले मैं गया था जेल में, उनसे मुलाकात की थी, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, एक राजनीतिक व्यक्ति इतने बड़े लीडर के साथ ऐसा होना अच्छा नहीं है, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, बदले की भावना से कभी काम नहीं करना चाहिए। रामपुर पहुंचे जयंत चौधरी के आजम खान के परिवार से मुलाकात की खबरें और तस्वीरें सामने आई तो राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। लोग अनुमान लगाने लगे कि शायद अखिलेश यादव ने आजम खान को मनाने के लिए जयंत चौधरी को भेजा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अखिलेश ने साफ कर दिया कि उन्होंने जयंत को नहीं भेजा। हालांकि अखिलेश के इस इनकार से बावजूद माना जा रहा है कि जयंत और आजम खान के परिवार के बीच सपा के बिगड़ते रिश्तों को लेकर बात तो हुई होगी। हो सकता है कि सपा गठबंधन में शामिल जयंत के अंदर खान ने अखिलेश के दूत की भूमिका भी निभाई हो, लेकिन फिलहाल अखिलेश ने सार्वजनिक तौर पर आजम खान की नाराजगी को लेकर अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। उधर शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं, लेकिन भगवा पार्टी में उनकी एंट्री को लेकर संशय भी कम नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद तेज हुई अटकलों को खारिज करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक उनके लिए बीजेपी में नो वैकेंसी बता चुके थे, लेकिन अलग अलग पार्टियों के नेताओं की मुलाकात बेहद सामान्य बात है, इसे किसी भी पार्टी में शामिल होने का मतलब निकालना गलत है। जबकि शिवपाल बीजेपी में एंट्री को लेकर पूछे गए सवालों पर यह कहते हुए बड़ा सस्पेंस बना देते हैं कि उचित समय पर फैसला लेंगे। उधर राजनीतिक जानकारों का एक धड़ा मानता है कि शिवपाल सपा से अलग होकर कोई नया मोर्चा भी बना सकता है। इस मोर्चे के झंडे तले आजम खान जैसे नाराज चल रहे नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर सकते हैं। आजम से जल्द मुलाकात की उनके चाहते पीछे के निकट भविष्य को लेकर उनकी नई रणनीति भी हो सकती है। तो चलिए वही बताते हैं। बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव कुनबे के एक और सदस्य शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में जाने की अटकलें जोरों पर हैं। राजनीति के जानकारों का यहां तक कहना है कि शिवपाल के जाने की पटकथा करीब करीब लिखी जा चुकी है। वहीं सपा हाईकमान भी उन्हें मनाने के मूड में नहीं है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि शिवपाल 19 अप्रैल या इसके बाद यह कदम उठा सकते हैं। हालांकि शिवपाल या भाजपा पदाधिकारियों में किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रसपा की राज्य कार्यकारिणी भंग होने के बाद शुक्रवार को इन चर्चाओं का बाजार फिर गर्म हो गया है। अटकलें लगाई गई हैं कि शिवपाल यादव भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
सोशल मीडिया पर शुक्रवार को शिवपाल यादव सुर्खियों में रहे। अटकलें चली कि 19 अप्रैल को वह दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में यह ज्वाइनिंग होगी। यह भी चर्चा उड़ी कि उनके बेटे आदित्य यादव भी भाजपा का दामन थामेंगे। इन चर्चाओं के बावजूद सपा विधायक को रोकने के मूड में नहीं है। तकनीकी रूप से वे जसवंत नगर सपा के विधायक हैं, लेकिन चुनाव से पहले प्रसपा और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, विलय नहीं। सपा के कुछ नेताओं का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल के सपा के साथ आने से पहले पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। भविष्य में भी इस लिहाज से उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती, उल्टे उनके मौजूदगी से नुकसान होने की ज़्यादा आशंका है। इसलिए सपा ना तो उन्हें भाजपा में जाने से रोकेगी और ना ही चले गए तो इस पर कोई बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया देगी। विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव के भी भाजपा में जाने पर सपा नेतृत्व ने बड़ी ही सदी प्रतिक्रिया दी थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राज्य कमेटी और अन्य प्रकोष्ठ की सभी कार्यकारिणी शुक्रवार को भंग कर दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने यह निर्णय लिया कि कहा कि जल्द आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रसपा के इस कदम से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रसपा संस्थापक शिवपाल सिंह यादव भले ही सपा से विधायक चुने गए हैं, पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से उनकी दूरी व नाराजगी साफ नजर आ रही है। चाहे सपा की बैठकों में शिवपाल की अनुपस्थिति हो या दिल्ली में मुलायम सिंह से उनकी मुलाकात, सभी पर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से शिवपाल की भाजपा में नज़दीकियाँ भी साफ नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रसपा ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर सियासी हवा को तेज कर दिया है। सवाल उठा है कि क्या कार्यकारिणी का दोबारा गठन हो पाएगा या फिर पूरी तरह से भाजपा के साथ हो लिया जाएगा। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी को अभी भंग नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को भंग कर दिया गया है। तो इस पर लगातार यही सवाल है कि ऐसे ही करके भाजपा में एंट्री लेते नजर आएंगे शिवपाल सिंह यादव। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी और बीजेपी में जाने के अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ा झटका लग सकता है। पीएसपी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव रहे वीरपाल सिंह यादव के जरिए अखिलेश यादव शिवपाल यादव को झटका दे सकते हैं। असल में वीरपाल सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि वीरपाल समाजवादी पार्टी में वापस आ सकते हैं। वहीं अभी तक शिवपाल सिंह यादव ने अपने अपने सियासी फैसलों को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, जिसको लेकर उनके समर्थक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। गौरतलब है कि दो दिन पहले ही शिवपाल ने पार्टी की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। वीरपाल सिंह को शिवपाल सिंह का करीबी माना जाता है और बताया जा रहा है कि वह बीजेपी में उनकी नज़दीकी से नाखुश हैं। लिहाजा वीरपाल सिंह यादव एक बड़ा फैसला आने वाले दिनों में ले सकते हैं और वह समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने शनिवार को एसपी मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बैठक हुई। ये भी कहा जा रहा है कि एसपी में वापसी के बाद पार्टी उन्हें अहम जिम्मेदारी दे सकती है। वीरपाल सिंह यादव पीएसपी के राष्ट्रीय मुखिया महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और वे शिवपाल सिंह के करीबी माने जाते हैं। अगर वीरपाल सिंह यादव समाजवादी में वापस लौटते हैं तो शिवपाल के लिए बड़ा सियासी झटका होगा। असल में शिवपाल सिंह यादव की कार्यकारिणी भंग कर चुके हैं और उसके बाद वीरपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। वीरपाल सिंह ने कहा कि वह अखिलेश यादव के संपर्क में है और उनके साथ गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर वार्तालाप भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव अपने बंद पत्तों को कब खोलेंगे, तो उसका इंतज़ार भी लोगों को लगातार है। यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि वो समय जल्दी आएगा जब यहाँ पर अपने बंद पत्तों को खोलेंगे। तो चलिए आपको कुछ और यहाँ पर बताते हुए चलते हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बागी चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हुए हों, लेकिन यूपी से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता उनको माननीय कहकर इज्जत देने में जुट गए हैं। प्रसपा चीफ को यह इज्जत कहीं और नहीं बल्कि इटावा में भाजपा नेताओं की तरफ से मिल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के राज प्रसपा चीफ के भाजपा में शामिल होने के फायदे बताते हैं।
भाजपा नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव पर अंतिम निर्णय लेंगे। इसके साथ कहा कि शिवपाल बड़े नेता है, इसलिए भाजपा को हर साल में फायदा ही होगा। इससे एक बात साफ होती दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव के प्रति विनम्र बन रहे हैं। हालांकि इन इशारों को समझाने के लिए कुछ वक्त का इंतजार ज़रूर और करना पड़ सकता है। बता दें कि 26 मार्च से शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं, लेकिन अब ये लगातार जो चर्चाएं हैं वो जल्द ही ख़त्म होती नज़र आएगी और यहाँ पर हो सकता है कि 19 अप्रैल को ही शिवपाल सिंह यादव शपथ लेते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ, आगे थोड़ा सा और बताते चलते हैं आपको कि शिवपाल सिंह यादव को इज्जत देने वाले के राज मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य और 1991 में इटावा जिले की लखन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए निर्वाचित हो चुके हैं। राजनीति की मुख्यधारा में आने से पहले वे 1988 में इटावा नगर पालिका परिषद के सभासद निर्वाचित हुए थे। राज को इटावा में दलित राजनेता के तौर पर प्रभावित माना जाता है। और वही जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में सुना है कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव अभी भी अपनी रणनीतियों को लेकर, अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर लगातार कंफ्यूज्ड है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें अगला पड़ाव है वो क्या उठाना है, अगला कदम क्या उठाना है। लेकिन यहाँ पर आजम खान की स्थितियाँ तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वो जैसे ही जेल से छूट के आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे, क्योंकि हमने जब देखा था कि जो उनके मीडिया प्रभारी फसाद खान हैं, उन्होंने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफें की थी। बस यहाँ पर ये देखना है कि आजम खान AIMIM को ज्वाइन करते हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ काम करते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर काम करते नजर आएंगे। अब पार्टी का क्या माहौल होगा और क्या आने वाली तस्वीरें होगी, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।